Subscribe and press the bell icon for latest update. पाटीदार आरक्षण कार्यकर्ता हार्दिक पटेल ने कहा कि अगर नरेंद्र मोदी सरकार 2019 के लोकसभा चुनाव में सत्ता में आती है तो देश राष्ट्रपति शासन देखेगा। हालांकि पटेल ने राष्ट्रपति शासन शब्द के इस्तेमाल को स्पष्ट नहीं किया, लेकिन सीधे तौर पर उनका मतलब था कि अगर मोदी सरकार अगले आम चुनाव में भी सत्ता में आती है तो अन्य पार्टियों की सरकारें अस्थिर हो जाएंगी। पटेल ने जोर दिया कि सभी को देश को बांटने वाली शक्ति के खिलाफ लड़ने के लिए एक साथ आना चाहिए। उन्होंने कहा, मैंने स्पष्ट रूप से कहा है कि अगर नरेंद्र मोदी सरकार 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद सत्ता में आती है तो यह देश में राष्ट्रपति शासन को आमंत्रित करेगी। हार्दिक ने कहा, मैं किसी ऐसे व्यक्ति को देश के प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता हूं जो शिक्षा, रोजगार, कृषि, स्वास्थ्य और देश की सुरक्षा के बारे में बोले, ना कि ऐसे व्यक्ति जो संसद में विपक्ष की आलोचना करने में 90 मिनट खर्च करता हो। पटेल ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सादगी के लिए उनकी प्रशंसा की। उनका कहना था कि उन्होंने मुख्यमंत्री से मुलाकात के दौरान उनसे काफी कुछ सीखा। SPN9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।